नमस्कार आए और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। संतान के सुख समृद्धि और दीर्घायु के कामना के लिए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाएगी। बुधवार शाम व्रती सूर्य को संध्या अर्घ्य देने के लिए नदी तालाबों के घाटों पर जुटेंगे। फिर अगली सुबह यानी गुरुवार को सूर्य देव को उषा अर्घ्य देने के बाद व्रती व्रत का पारणा करेंगे। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। जानकारों के मुताबिक छठ पर्व को उगते और डूबते सूर्य की पूजा करने वाला एकमात्र पर्व माना जाता है। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व उत्तर भारत के राज्यों बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। व्रतधारी सुभद्रा सिंह छठ पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या कह रही हैं, आप भी सुनिए। मायने रखता है ये त्यौहार आप लोग के लिए, किस तरह तैयारी कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं यूपी और बिहार का मेन बिहार का ये त्यौहार है छठ का, और छठी मैया का जो व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर हर मनोकामना पूरी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि आज क्या है, दूसरे राज्य में जो जैसे छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में भी इस त्यौहार को मनाया जा रहा है और सूर्य भगवान को डूबते हुए और उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ दे के इस त्यौहार को किया जाता है। तो इसका वैसे तो सप्ताह बिहार यूपी में तो सप्ताह भर 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और दीपावली के बाद ही मतलब एकदम शुद्धिकरण करके घर को रखते हैं और आज से नहाते खाते जो वो चालू हो जाता है। तो उसमें लौकी की सब्जी, चने का दाल डाल के ये सब बना के आज खाते हैं। महिलाएं हमारी जितनी भी उपासक हमारी बहनें हैं वो सारी उपास को करती हैं और कल तो एक टाइम का खाना रहता है शाम को, खीर और कलते हैं सूखा जो रोटी रहता है वो बनाते हैं और उसके बाद वो खा के उसके बाद फिर पूरा दिन भर का उपास रहता है। फिर आप शाम को सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, फिर दूसरे दिन आप उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो निश्चित तौर पर छठ मैया का यहाँ पर सभी को आशीर्वाद रहे, मेरी ऐसी मानना है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं छठ पर्व का जो उन्होंने छुट्टी दिया है तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, क्योंकि आज तक कोई भी यहाँ पे नहीं सोचा था कि छठ का छुट्टी दिया जाए। छत्तीसगढ़ी के लिए भी बहुत सारा वो छुट्टी दे रहे हैं। आज आप देखेंगे हरेली त्योहार में आपके कहते हैं छठ खमरछठ जो होता है उसमें भी मिल रहा है महिलाओं को, तीज का मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित रहेंगे छठ पर्व में, सभी को शुभकामनाएं और बधाई देने और भगवान से मनोकामना उनकी भी पूरी हो और सभी की पूरी हो, ऐसी मेरी कामना है।